कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हाँ होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सुबह से तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, कल मैं धनतेरस का सामान लेकर आई थी, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दिवाली की डेकोरेशन, ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी डेकोरेशन करनी है, जो सामान लेकर आई थी वही हम डेकोरेट करेंगे, तो उसी का वीडियो बना रही हूँ मैं। और अधिक है। और शाम को आज छोटा सा दिया भी जलेगा, मतलब एक दिया जलता है छोटी दिवाली पे, तो वो दिया लगाऊंगी मैं। और मेन दिवाली तो कल है ही। वैसे बोलते हैं कि जो आज की एक दिन पहले की दिवाली होती है ना, वो होती है बड़ी दिवाली, और उसके बाद की जो होती है वो होती है छोटी दिवाली। लेकिन मुझे क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी दिवाली है, और जो कल है जो पटाखों वाली दिवाली होती है वो होती है बड़ी दिवाली। लेकिन ठीक है, जैसे भी है, दिवाली तो दिवाली है। और मैं आज मार्केट गई थी, कुछ सामान लेकर आई थी, वो भी मैं आपको आपसे शेयर करूंगी। मतलब धनतेरस का सामान आधा सामान मैंने कर लिया था, क्योंकि कल भीड़ थी ना, तो ज़्यादा सामान लेके नहीं आई थी। और जो मुझे कुछ लेना था वो मैं आज लेकर आई थी, तो मैं दिखाऊंगी आपको, शेयर करूंगी आपसे, ठीक है। फोन आ गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा, बच्चों ने डेकोरेशन कर दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या और डेकोरेशन। ये धनतेरस का जो सामान लेके आए थे हम, तो छोटी दिवाली पर ये हम लगा दे रहे हैं, डेकोरेशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये लगाई हैं दो मालाएं, दुलड़ियाँ, और ये शुभ दीपावली का दोनों गेटों पर लगा दूंगी मैं, दोनों दरवाजों पे। और ये एक रंगोली लेकर आए थे, इसको लगा दिया है मैंने, रंगोली जो लक्ष्मी माता के पदचिन्ह होते हैं इनको लगा दिया है, और छोटे पदचिन्ह ऊपर लगा दिए टाइल पर, तो दोनों दरवाजों पर ये मैंने लगा दिए हैं। ये देखो मम्मी, हाय बोलो मम्मी। और यहाँ पे पूजा हो रही है, मम्मी दिए जला रही हैं। और ये देखो हमने न्यू रंगोली हमारी, और हमारे भगवान जी, ये कुछ फ्रूट्स रख दिए हमने, और ये पूजा की थाली, और ये आपके हमारे दिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, जब हमारी पूजा मतलब सेट हो जाएगी, जब हम पूजा करेंगे तब आपको मिलते हैं। बाय बाय जी। ने और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, नेक्स्ट डे जब दिवाली है, बड़ी दिवाली। तो वीडियो मैंने पहले बना चुकी थी, इसको बाद में एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला है, तो इसलिए बाद में ही एडिटिंग कर रही हूँ मैं। मॉर्निंग से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो अब इस टाइम पर हम पूजा कर रहे हैं दिवाली की, तो बड़ी दिवाली है आज। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है पूजा की, जो भी होती है दिए लगाना, तो मैंने 5 घी के दिए लगाए हैं, और बाकी वैसे दिए लगाए हैं, तो कुल मिला के पूरे 25 दिए लगाए हैं। और रंगोली बना ली है, और भगवान लक्ष्मी गणेश को आगे रख दिया है, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है इसमें, तो पूरी तैयारी मैंने कर ली है। और ये सारी तैयारी करने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे इनके पापा का, बच्चों के पापा आएंगे तब भी हम पूजन स्टार्ट करेंगे। और बाकी वैसे बैठे हुए हम, तो परी हमारी यहाँ पर कहानी सुना रही है दीपावली के ऊपर, जो इसमें कहानी होती है वो कथा सुना रही है। और हम लोग यहाँ पर पूजा की तैयारी कर ली है हमने, फिर पूजा करेंगे हम तो बस। और इसके बाद अगले दिन मुझे तैयारी करनी है घर जाने की, क्योंकि मैं दौज पे जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इस बार एक दिन पहले चली जाऊँ, तो बस उसी की तैयारी करूँगी मैं। तो बस अच्छी रही है हमारी दिवाली, मैंने और ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं है, सिर्फ पूजन का ही है, बाकी किसी का। दीपावली वगैरह मनाने के बाद अगले दिन मैंने मॉर्निंग में तैयारी की थी, और शाम के टाइम मैं निकल गई हूँ अपने घर के लिए। तो यहाँ ये हमें विदा कर रहे हैं मायके के लिए, तो हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, और हम ऑटो से ही जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही सही रहता है, ईजी रहता है, अपने अपने घर से बैठते हैं और घर पर ही उतरते हैं, तो बीच में कहीं हमें रुकना नहीं पड़ता, और सीधे पहुँच जाते हैं अपने घर, तो सही रहता है, बच्चों के लिए सेफ़ रहता है, अपने लिए भी सेफ़ रहता है। तो थोड़ी सी हवा लग रही थी, क्योंकि ठंडा मौसम तो आ ही गया है, तो हवा लग रही थी ठंडी ठंडी, बाकी वैसे हम अच्छे से आराम से पहुंच गए थे। और एक घंटा भी नहीं लगा, मैं मुश्किल से एक ही घंटा लगा था, क्योंकि जाम हम था नहीं, और आराम से हम पहुँच चुके थे घर पर। तो अब आगे हम मिलते हैं घर पर पहुँच के हम, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, तो फिर मिलते हैं अपने मायके जाके आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।